जय गुरुदेव। जनवरी 1991 की शाम पवई मुंबई आईआईटी बॉम्बे के सड़कों पर वैज्ञानिक प्रौद्योगिक विद छात्र और अन्य कर्मचारी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के एक प्रतिभाशाली शिष्य के बातें सुनने में मग्न थे। उत्सुकता चरम पर थी क्योंकि इराक और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अप्रत्याशित युद्ध शुरू हुए अभी मुश्किल से 24 घंटे ही हुए थे। दुनिया अभूतपूर्व भय से सांस रोके हुए थी कि युद्ध क्या रूप लेगा, रूस और जर्मनी कब और कैसे प्रतिक्रिया देंगे, मित्र राष्ट्र अमेरिका के साथ कब जुड़ेंगे, क्या खाड़ी के बाकी देश मूक दर्शक बने रहेंगे। ऐसे कई सवाल हर किसी के मन में कौंध रहे थे। तमाम समाचार बुलेटिन युद्ध विशेषज्ञों के विश्लेषण, राजनीतिक बहसों आदि के पीछे पेट्रोलियम संकट, आर्थिक मंदी और संभावित तीसरे विश्व युद्ध की भयावह आशंका छिपी हुई थी। ऐसे संकट या विपरीत परिस्थितियों के क्षणों में जो व्यक्ति के नियंत्रण से परे प्रतीत होते हैं, व्यक्ति प्रायः ईश्वर को याद करता है, तीर्थ स्थलों पर जाता है, सामूहिक प्रार्थनाओं में भाग लेता है तथा आध्यात्मिक गुरुओं और संतों से मार्गदर्शन प्राप्त करता है। संभवतः यही कारण था कि वैज्ञानिक अध्यात्म से संबंधित इस व्याख्यान में श्रोताओं की अपेक्षा से अधिक भीड़ उमड़ी। अचानक बदले वैश्विक परिदृश्य में श्रोताओं की स्वाभाविक जिज्ञासा को देखते हुए आयोजकों ने वक्ता से युद्ध और शांति के समय में अध्यात्म की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने का विशेष अनुरोध किया था। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा के इस प्रभावशाली व्याख्यान में यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि परमपिता परमेश्वर इस सुंदर संसार को परमाणु, रासायनिक, जैविक या अन्य आसुरी युद्ध द्वारा दुखद रूप से नष्ट नहीं होने देंगे। युद्ध के उन नाजुक क्षणों में यह विश्वासपूर्ण आधिकारिक कथन सुनना श्रोताओं में से अधिकांश लोगों को स्वप्नलोक जैसा लग रहा था। यद्यपि युद्ध कुछ सप्ताह तक जारी रहेगा, लेकिन युग ऋषि की भविष्यवाणी के अनुसार विश्व युद्ध नहीं होगा। जब वैश्विक मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ विश्लेषक भी युद्ध के अप्रत्याशित पाठ्यक्रम के बारे में इतने अनिश्चित थे, तो गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य इस बारे में इतनी उल्लेखनीय निश्चिंतता के साथ कैसे भविष्यवाणी कर सकते हैं। उनके वैज्ञानिक रूप से प्रशिक्षित शिष्यों को उनकी भविष्यवाणी पर पूर्ण विश्वास कैसे हो सकता था। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि गुरुदेव ने जून 1990 में स्वेच्छा से भौतिक शरीर छोड़ने के दशकों पहले ऐसी कई भविष्यवाणियां की थी। उनकी कई पूर्व भविष्यवाणियां भी समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। जिन लोगों को कुछ समय के लिए उनके साथ जुड़ने का अवसर मिला होगा, उन्हें समय और स्थान की बाधाओं से परे उनकी अलौकिक दृष्टि देखी होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध के दौरान दो महापरमाणु शक्तियों के बीच शीत युद्ध भी गर्म हो गया था। पेंटागन ने अपने बहुचर्चित सातवें युद्ध पोत अपने उपग्रह देश की मदद के लिए हिंद महासागर की ओर रवाना कर दिया था। उच्च तकनीक वाले सामरिक उपकरणों से लैस इस विशालकाय उद्धपोत द्वारा तय किया गया प्रत्येक समुद्री मील खतरे को बढ़ा रहा था और भारतीय सेना की चिंताओं को कई गुना बढ़ा रहा था। अगली सुबह गुरुदेव ने अपने प्रवचन में घोषणा की कि महान ऋषि हिमालय की योगी दिव्य दर्शन और संस्कृति की भूमिका पर हमला करने वाले किसी भी बुरे इरादे को सफल नहीं होने देंगे। बाद में उन्होंने वरिष्ठ शिष्यों को बुलाया और उन्हें बिना कुछ खाए पिए पूर्ण मौन रहकर अपनी असाधारण साधना के बारे में बताया।
उन्होंने शिष्यों को निर्देश दिया कि वे इस विशेष साधना के दौरान उन्हें परेशान न करें, भले ही यह कई दिनों तक चले। उन्होंने दुर्घटना को रोकने के लिए अगले दिन सुबह होने से पहले ही अलौकिक साधना का प्रयोग शुरू कर दिया। उनके इस उत्कृष्ट आध्यात्मिक प्रयोग के 48 घंटे के भीतर ही अमेरिकी युद्धपोत ने रहस्यमय तरीके से अपनी दिशा बदल ली। यह दुनिया के लिए आश्चर्यजनक घटना थी। सामरिक योजनाकार और रक्षा विशेषज्ञ भी यह नहीं समझ पाए कि पेंटागन के इस यू टर्न का क्या कारण हो सकता है या व्हाइट हाउस को अचानक अपना निर्णय वापस लेने की क्या वजह हो सकती है। जुलाई 1979 में हुई एक अन्य घटना जिससे विश्वव्यापी चिंता और कौतूहल उत्पन्न किया, वह थी आकाश प्रयोगशाला का गिरना। अमेरिकी अंतरिक्ष यान द्वारा अपनी तरह की पहली अंतरिक्ष प्रयोगशाला को सुरक्षित ऊंचाई पर ले जाने में विफल होने तथा यह स्पष्ट हो जाने के 2 दिन पहले कि यह विशाल संरचना या इसका मलबा बेहतरीन ढंग से गिरेगा, गुरुदेव ने शांति कुंज हरिद्वार में उपस्थित सभी शिष्यों से कहा था कि वे उनके साथ मिलकर एक सामूहिक गायत्री अनुष्ठान आरंभ करें, जिससे प्रकृति में एक ऐसी उद्दता शक्ति धारा उत्पन्न हो सके जो अंतरिक्ष से आने वाले किसी अभूतपूर्व खतरे का मुकाबला करने के लिए आवश्यक हो। वहां के लोगों ने सोचा कि यह कोई उल्का विस्फोट, सुपरनोवा प्रभाव या कोई ज्योतिषिक नकारात्मक संकेत हो सकता है, लेकिन जब समाचार पत्रों और रेडियो प्रसारणों ने यह खबर दी तो जल्दी ही इसका कारण सभी लोगों को स्पष्ट हो गया। सबसे बड़ा डर उस विनाश से था जो उस विशाल संरचना के मलबे से होने वाला था जो अब पृथ्वी की ओर गिर रहा था। गुरुदेव ने खुलासा किया कि यह प्रयोग दुर्घटना के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सामूहिक प्रार्थनाओं से कहीं अधिक था। उन्होंने समझाया कि कोई भी प्रकृति के नियमों और इसके लिए गुरुत्वाकर्षण बल को नकार नहीं सकता। यह देखते हुए कि आकाश प्रयोगशाला नीचे गिरना शुरू हो गई है, सबसे अच्छी बात यह है कि हम संभावित आपदा को रोकने और त्रासदी को रोकने के लिए इसके प्रक्षेप वक्र को मोड़ना चाहते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी पर निवास या जंगलों को नष्ट करने के बजाय इसे समुद्र में डुबोया जा सकता है, ऐसा उन्होंने समझाया था। समर्पित साधकों द्वारा गायत्री मंत्र के एक साथ जप से उत्पन्न होने वाली महाध्वनि इतनी तीव्र होती है कि यदि उस पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो वह अंतरिक्षयान को भी गति प्रदान कर सकती है। जिन लोगों ने हिमालय क्षेत्र में या महान योगियों के सानिध्य में दुर्लभ ऊर्जा तरंगों और अतींद्रिय धाराओं का अनुभव किया है, वे इस बात को उन लोगों से बेहतर समझ सकते हैं जो पदार्थ आधारित विज्ञान को परम सत्य मानते हैं। खैर, ऐसी संभावनाओं के पक्ष और विपक्ष में चाहे जो भी तर्क हो, लेकिन यहाँ बिना किसी बहस की गुंजाइश के उल्लेखनीय बात यह है कि विशालकाय अंतरिक्ष प्रयोगशाला के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के 12 घंटे से भी अधिक समय पहले गुरुदेव ने विश्वासपूर्वक घोषणा की थी कि अब अनुष्ठान का उद्देश्य पूरा हो चुका है, अब सुरक्षित रूप से गिरेगा। हिंद महासागर में गिरना, उनकी भविष्यवाणी की सत्यता वही है जो दुनिया ने देखी। नासा रूसी अंतरिक्ष एजेंसी RSA या किसी अन्य वेधशाला या अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के नियंत्रण के बिना स्काईलैब, जिसे हम मलबा कहते हैं, हिंद महासागर के दक्षिण में डूब गया। जय गुरुदेव।